तो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट वीडियो। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ इस टाइप की एडिटिंग जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। और इस वीडियो में बैकग्राउंड और जितने भी PNG यूज होंगे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिक्सार्ट में अपने सीधे बैकग्राउंड को, तो चलिए हम ओपन कर लेते हैं अपने पिक्सार्ट। देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड हो चुका है ओपन पिक्सार्ट में। तो हम सबसे पहले ऐड कर लेंगे अपने मॉडल को। तो चलिए हम ऐड कर लेते हैं अपने मॉडल को, जैसे कि हमारा ये मॉडल है। एंड फिर कटआउट के ऑप्शन में जाके आउटलाइन को सिलेक्ट कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो अगर आपको बैकग्राउंड कट करना ऐसे सीखना है तो उसके लिए भी हम अलग से वीडियो बना चुके हैं, तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। तो जल्दी से मैं इसको कट करके आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं बैकग्राउंड फोटो हमारी कट हो चुकी है बैकग्राउंड से। अब इसे एडजस्ट कर देंगे हम अपने हिसाब से। जैसे कि फोटो हमारी हो चुकी है एडजस्ट, यहाँ से कर देंगे डन। फिर क्रॉप में जाके कर लेंगे क्रॉप इतना, एंड फिर कर देंगे डन। एंड फिर हम ऐड फोटो में जाके अपने PNG करेंगे सिलेक्ट। तो चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं अपने PNG को। सबसे पहले ये PNG ले लेते हैं, ये PNG ले लेते हैं और ये PNG ले लेते हैं। तीन PNG करेंगे अब सिलेक्ट एंड इसे कर देंगे एडजस्ट। अभी ये दो PNG को रखते हैं बाहर। एंड ओपेसिटी कर देंगे थोड़ा लो। फिर इस वाले PNG को लाएंगे, नहीं करना कुछ, ब्लेंड करके स्क्रीन करना है। इसके बाद इसे कर देंगे ऐसे एडजस्ट। ये वाला PNG ये है, इस वाले PNG में भी, इस वाले PNG को भी एडजस्ट कर देंगे बढ़िया अपने हिसाब से। क्या आप देख सकते हैं कि जैसे PNG हमारे हो चुके हैं पूरे एडजस्ट हमारे मॉडल के आसपास। तो उसके बाद हम ऐड फोटो फिर से करके अपने गणेश जी वाले लोगों को लेंगे, समझ लीजिए गणपति वाला लेंगे। फिर उसके बाद हम इफेक्ट में जाएंगे और कलर में तो अपने आप सिलेक्ट है और निगेटिव कर लेंगे। एंड कर देंगे यहाँ से डन, क्योंकि अपने को व्हाइट कलर का चाहिए लोगो। ब्लेंड करके स्क्रीन कर देंगे और कर देंगे थोड़ा छोटा और इसे एडजस्ट कर देंगे इस तरीके से। एंड लास्ट ऐड फोटो में क्लिक करके ये क्लॉथ वाले PNG को लेंगे। फिर उसके बाद फ्लिप में करके इसे फ्लिप कर देंगे लेफ्ट साइड को एंड इसे थोड़ा जूम करके एडजस्ट कर देंगे इस तरीके से। एंड फिर कर देंगे यहाँ से डन। देख सकते हैं कि हमारी फोटो पिक्सार्ट से एडिट हो चुकी है। अब इसके कलर को रीटच करने के लिए हम इसको ओपन करेंगे लाइट रूम एप्लीकेशन में। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं लाइट रूम एप्लीकेशन। आप देख सकते हैं कि फोटो हमारी ओपन हो चुकी है लाइट रूम एप्लीकेशन में। अब इसके कलर और लाइट को करेंगे एडजस्ट। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा एक्सपोजर, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट को थोड़ा कम कर देंगे, शैडो दे देंगे, वाइट कर देंगे थोड़ा कम, नहीं थोड़ा फाइव कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं थोड़ा कम। एंड नेक्स्ट ऑप्शन में आकर वाइब्रेंस को थोड़ा बढ़ा लेंगे, मतलब 42 कर लेते हैं। एंड मिक्स में क्लिक करके ल्यूमिनेंस बढ़ा लेंगे, सिर्फ ल्यूमिनेंस बढ़ाइएगा नहीं तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, कलर मैच ना करेगा बैकग्राउंड से, ठीक है। फिर कर देंगे डन। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में जाके टेक्सचर बढ़ा लेंगे, क्लैरिटी थोड़ी बढ़ा लेंगे और बिग्निटी कर देंगे थोड़ा लो, हल्का सा लो करें, -6 करिए बस, राउंडनेस बस। नेक्स्ट ऑप्शन में जाके स्टार पेनिंग बढ़ा लेना है, 43 कर लीजिए। नॉइस रिडक्शन बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा मास्किंग बढ़ा लीजिए एंड कलर नॉइस रिडक्शन बढ़ा के फिर उसके बाद बढ़ा लेंगे स्मूथनेस को 84 कर देंगे बस। जैसे कि फोटो हो जाए क्लियर हमारी, जैसे कि फोटो रीटचिंग की पहले ऐसी थी, अब रीटच होने के बाद हो चुकी है ऐसी, देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें हमारी वीडियो को और भी अच्छी अच्छी एडिटिंग और नए नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। थैंक यू।